मिड हो गया, ठीक है। अब ये हमारा लेफ्ट है, ये मिड है, और ये हमारा राइट है। हमारे पास लेफ्ट, मिड और राइट की नई वैल्यूज आ गई। अब हमने क्या करना है, मिड के साथ वापस अपने डेटा को कंपेयर करना है। 59 हमारा डेटा था और हमारा मिड आ गया 63, तो 59 इज़ लेस देन 63। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू आर सर्चिंग इन दिस एरिया, नॉट हेयर, बिकॉज वी नो दैट 59 इज़ लेसर देन 63 एंड दिस एरिया इज़ सॉर्टेड, सो वी हैव टू फाइंड आउट आर डेटा इन दिस एरिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा वापस चेंज होगा मिड और लेफ्ट। अब हमने क्या किया, 5, ओके क्लास क्लास हम लोगों को अब क्या करना है, अब हमारा जो मिड निकला था वो 7 था, और हमारा जो अब का जो हमारा सॉर्टेड एरे है वो दिस इज एक्चुअली दिस पार्ट है एरे का। तो अब हमें क्या करना है क्लास, अब हमारा जो राइट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब हमारा राइट हो जाएगा मिड प्लस 1, हमारा राइट हो जाएगा एम प्लस 1। तो आप ये देख सकते हैं हमारा लेफ्ट वही रहा है 5, और हमारा राइट चेंज हो गया है 5 प्लस 1, दैट इज 6। अब हमने इसके लिए, अगर हमने अपना कैलकुलेशन किया है, 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5.5, हमने फ्लोट में वैल्यू नहीं लेनी, इंटीजर में लेनी है, तो हमारा रिजल्ट आया 5, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, वापस 5th पोजीशन पे हमारा मिड आ गया। अब हमारा मिड 5th पोजीशन पे दोबारा आ गया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्लास, हमारा मिड 5th पोजीशन पे, अब हम वापस कंपेयर करेंगे 59 को। जब हमने कंपेयर किया तो 45 से 59 ऑब्वियसली क्या है, ग्रेटर है, तो हमारा मिड प्लस 1 हुआ कहाँ पर, यहाँ पर। अब हमारा जो लेफ्ट है, हमारा लेफ्ट ये है, सही है, मिड प्लस 1 के अकॉर्डिंगली। फिर अब हमने जब कैलकुलेशन की क्लास, हमारा लेफ्ट ये है। अब हमारे पास जो लेफ्ट, राइट और मिड की वैल्यू है, हर वैल्यू हमारे पास ये हो गई, मिड भी यही है हमारा, लेफ्ट भी यही है, और हमारा राइट भी यही है। तो व्हाट डज इट मीन कि हमारा जो ये इंडेक्स है वो